सातवां अध्याय। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु को कैसे पराजित किया ये मुझे बताइए। आपने पहले ये सूचित किया था कि वे मृत्यु पर विजयी हुए थे। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, उस महान पुरातन इतिहास को आप और ये सभी ऋषि सुने। मैं कह रहा हूँ, अत्यंत पवित्र कुरुक्षेत्र में व्यास पीठ पर एक सुंदर आश्रम में स्नान तथा जप आदि समाप्त करके व्यवसान पर बैठे हुए शिष्य भूत मुनियों से घिरे हुए मुनिवर महर्षि कृष्ण देव्य पायन से, जो वेद और वेदार्थों के तत्ववक्ता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ थे, परम धर्मात्मा शुकदेव जी ने हाथ जोड़कर उन्हें यथोचित रूप से प्रणाम कर इसी विषय को जानने के लिए प्रश्न किया था, जिसके लिए इन मुनियों की निकट आप पुण्यतीर्थ निवासी नरसिंह भक्त ने मुझसे पूछा है। श्री शुकदेव जी बोले, पिताजी, मार्कंडेय मुनि ने मृत्यु पर कैसे विजय पाई ये कथा कहिए, इस समय मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, महामते पुत्र, मार्कंडेय मुनि ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुझसे कहे जाने वाले इस महान एवं उत्तम उपखयानों को सभी मुनि और मेरे शिष्यगण भी सुने। भृगु जी के उनकी पत्नी ख्याति के गर्भ से मृगकुंडू नामक एक पुत्र हुआ। महात्मा मृगकुंडू की पत्नी सुमित्रा हुई। वो धर्म को जानने वाली, धन प्रेरणा पति की सेवा में लगी रहने वाली थी। इसी के गर्भ से मृगकुंडू के पुत्र मेघावी मार्कंडेय जी हुए। ये भृगु के पौत्र महाभाग मार्कंडेय बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। पिता के द्वारा जात कर्म आदि संस्कार कर देने पर माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उनके जन्म लेते ही किसी भविष्य वक्ता ज्योतिषी ने कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। महामते, उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था, तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेघावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाया गया। वहां उनका उपयान संस्कार हुआ। वहां वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करने में लगे रहे। वेद शास्त्रों का तथावत अध्ययन करके वह पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय ने विनय पूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। शुकदेव, उस समय उन परम बुद्धिमान महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर माता पिता शोक से बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर महामती मार्कंडेय जी ने कहा, माँ, तुम बुद्धिमान पिताजी के साथ क्यों इस प्रकार निरंतर दुखी रहा करती हो? मैं पूछता हूँ, मुझसे अपने दुख का कारण बतलाओ। अपने पुत्र मार्कंडेय जी के इस प्रकार पूछने पर उस महात्मा की माता ने ज्योतिषी ने जो कुछ कहा था वो सब कह सुनाया। ये सुनकर मार्कंडेय मुनि ने माता पिता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुखी ना हो, मैं तपस्या द्वारा अपने मृत्यु को दूर हटा दूंगा, इसमें संशय नहीं। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर माता पिता को आश्वासन देकर वे अनेक ऋषियों से सुसेवित विल्लीपट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर महामती मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा भृगु जी का दर्शन किया। उनके साथ ही अन्य ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन करके धन प्रणायन मार्कंडेय जी ने मनोनिग्रह पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। महामती भृगु जी ने अपने बालक पौत्र महाभाग मार्कंडेय को, जिसकी आयु प्राय बीत चुकी थी, देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए? अपने माता पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा ये भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी ने उनसे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बातें सुनाई। पौत्र की बातें सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा, महाबुद्धे, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसीलिए आपके शरण में आया हूँ।
इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। भृगु जी बोले, पुत्र, बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना किए बिना कौन मृत्यु को जीत सकता है, इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं की अर्चना करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स्य, पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप द्वारा ही उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे। महाभाग, ब्रह्मपुत्र नारद जी उन्हीं की कृपा से जरा और मृत्यु को शीघ्र ही जीत कर दीर्घायु हो सुख पूर्वक रहते हैं। पुत्र, उस कमल लोचन नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन के बिना कौन मनुष्य कहां मृत्यु की सत्ता का निवारण कर सकता है। तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा विजयी कृष्णवन लक्ष्मीपति गोविंद गोपति भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वत्स, यदि तुम सदा उन महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं। व्यास बोले, पितामह, भृगु के इस प्रकार कहने पर महान तेजस्वी मार्कंडे जी ने उनसे विनय पूर्वक कहा। मार्कंडे जी बोले, तात, गुरु, अपने विश्वपति भगवान विष्णु को आराध्यों को बतलाया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूँ जिससे वो शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर दे। भृगु जी बोले, सहाय पर्वत पर जो तुंग भद्रा नाम से विख्यात नदी है, वहाँ भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रण कर मन को भी पूर्णतः संयम में रखते हुए एकाग्रचित हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवादि देव शंख धनवा विष्णु के इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर वह विश्व आत्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जाप करो जिससे प्रसन्न होकर वो तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स, भृगु जी के इस प्रकार कहने पर उन्हें प्रणाम करके मार्कंडेय जी सह्य पर्वत की शाखा से निकली हुई तुंग भद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित गुल्म लता वेणुओं से वैप तथा अनेकों अनेक मुनि जनों से पूर्ण तपोवन में गए। वहां वे महामुनि ने देवेश्वर भगवान विष्णु की स्थापना करके क्रमशः गंध धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निरालय भाव से निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ निकट समय आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की और स्वास्तिक आसन बांध इंद्र समूह को मन में संयम कर विशुद्ध अंतकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओंकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग से क्रमशः सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि मंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पाठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्प से पूजा करके उसमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उस ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। व्यास जी कहते हैं, शुकदेव, इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादि देव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदानंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर उस समय विप्रवार मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले गए। ये कहते हुए, हम लोग तो लौट कर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्यु देवी यहाँ आएंगे। विष्णु दूत बोले, जहाँ हमारे स्वामी जगदीश्वर संघ ध्वना भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो वहाँ उनकी क्या बिसात है।
गरसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं? व्यास जी कहते हैं, यमदूतों के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने वहां आकर उन्हें यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णु के दूतों के डर से वो महात्मा मार्कंडे के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस ना कर सके। इधर विष्णु दूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल उठाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात महामती मार्कंडे जी ने भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवाधिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वो स्त्रोत उस महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्त्रोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की। मार्कंडे जी बोले, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त इंद्रियों के स्वामी पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ अपनी नाभि से ब्रह्मांड कमल को प्रकट करने वाले हैं, उन नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं अनंत अजन्मा अविकारी गोविंद कमल नयन भगवान केशव के शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रयित वासुदेव सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर के शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिसका स्वरूप अव्यक्त है, जो विकारों से रहित है, उन शंख चक्रधारी भगवान अधोचज की शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगा? मैं वरहा वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन एवं माधव की शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? मैं पवित्र पुष्कर रूप अथवा पुष्कल पूर्ण रूप कल्याण बीज जगत पति पालक एवं लोकनाथ भगवान पुरुषोत्तम के शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जो समस्त भूतों के आत्मा महात्मा परमात्मा एवं जगत के योनि उत्पत्ति के स्थान होते हुए भी स्वयं अयोनिज है, उन भगवान विश्व रूप की शरण में आया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? जिसके सहस्त्रों मस्तक है, जो वक्ता वक्त स्वरूप है, उन महायोगी सनातन देव की शरण में आया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या कर सकेगा? महात्मा मार्कंडे के द्वारा उच्चारित हुए उस स्त्रोत को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्यु देव वहाँ से भाग चले गए। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडे ने मृत्यु पर विजय पाई। सच कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडे जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्रोत का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त होकर साय प्रातः और मध्य तीनों समय स्त्रोत का पाठ करता है, भगवान अच्युत में चित लगाने वाला उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदि देव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी।